ये देखिए क्या हो गया है, तो पानी गिर गया है, दूध नहीं गिरा है, पानी गिरा है। हट जा बहन, यहाँ पे थोड़ा सा गिराया, यहाँ पे गिर गया थोड़ा सा दूध। अच्छा है, बन रही है। मैं अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। नाश्ता बनाने किचन में आई हूँ, एग बॉईल की हुआ, अभी एग सैंडविच बनाते हैं और अफजल भी आ गए हैं, तो जल्दी से सैंडविच बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अब हम लोग सैंडविच बना लेंगे। ब्रेड पर मैंने मस्का लगा दी हूँ, सिंपल है ये, इसमें सिर्फ मस्का लगाऊंगी, सॉस लगाऊंगी, एग कट करके रखूंगी, काली मिर्ची और नमक डाल के बस खा लेंगे हम लोग। तो चलिए जल्दी से बना लेती। क्लियर मेरा उड़ गए हैं, लोग भी सैंडविच एग सैंडविच खा रहे हैं। अली को हमारे देखो कितना गर्म हो रहा है। ये रूम सब क्लीन करने का है, अभी तक कपड़े हो गए हैं, ये कपड़े जमाती हूँ, बेडशीट निकाली हूँ, अभी बेडशीट चेंज करते हैं। और ये बच्चों ने कल चिप्स लेके आए, तो ये चिप्स भी अभी रखते हैं जगह पे। तो चलो फटाफट अभी पहले किचन का काम कर लेती, किचन का काम करके आती हूँ, खाने खाना वगैरह बना लेते हैं, तो उसके बाद में ये रूम क्लीन करते हैं। हम लोग मायनेस की बिरयानी बनाएंगे, उसके लिए हम कोथमीर पुदीना लेंगे। तो पुदीना भी फ़िलहाल में घर में नहीं था, तो मैंने सिर्फ कोथमीर ली, एक नींबू का रस है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून है, 2 डेढ़ी हरी मिर्ची, क्योंकि हम ज़्यादा तीखा खाते नहीं है, काली मिर्ची चाट मसाला है, और नमक है, गरम मसाला है, और चिली फ्लेक्स है, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून है, 1 चम्मच गरम मसाला है, 1.5 चम्मच चाट मसाला है, और 1 चम्मच नमक ली हूँ, और 2 चम्मच हम लोग इसमें घी लेंगे। तो यह हमारा सीख का मसाला हुआ है। तो पहले मैं चिकन, ये इतना मेरे पास चिकन ही है, तो इसको अभी हम लोग मिक्सर में ब्लेंडर में डाल देंगे, और इसी के साथ में ये सारे मसाले डालूँगी मैं, अलग से नहीं ये करूँगी। तो चलिए पहले सीख का मैरिनेशन कर लेते हैं पूरा, मसाला और हमने चिकन इसमें डाल दिया, अब इसको पीस लेंगे। ये देखिए, ये हमारा कीमा रेडी है, इसको हम सीख बना देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। और ये बिरयानी का इंग्रेडिएंट्स है, ये 3 प्याज ली हूँ मैंने, इसमें 1 बाउल दही है और 1 बाउल मेयोनीज है, 1 क्रीम का कंटेनर ली हूँ, इसमें थोड़ा दूध भी ऐड करूँगी, ये बाद में मिक्स करूँगी। और प्याज फ्राई होने के बाद ये सब, पहले तेल में हम गरम मसाला डालेंगे, गरम मसाले के लिए हमने तेज़पत्ता और दालचीनी, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, शाजीरा और ज़ीरा रखी हुई मैंने, ये सब इसके मसाले हैं। हरी मिर्ची मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ली हूँ, ज़्यादा तीखा भी नहीं होना चाहिए और तीखा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग वैसे नहीं खाते। गरम मसाला, अदरक लहसुन का 2 चम्मच पेस्ट ली हूँ, और 15 से 20 मैंने आलमंड ले ली हूँ, और चावल भिगा दी हूँ। तो चलिए पहले मैं इधर तेल गरम करने, ये पैन में मैं अभी मसाला बनाऊंगी और ये पैन में मैं सीख फ्राई करूंगी। तो पहले मसाले के बनाने के लिए पहले तेल डालती हूँ, और इसमें भी तेल डाल लेती हूँ। इसमें हम लोग कम ही तेल डालेंगे, जो हमारा सीख का फ्राई तेल रहेगा वही हम इसके अंदर वापस ऐड करेंगे। ये स्लो पे रखी हूँ, ये फास्ट करती हूँ, साथों साथ मैं सीख भी बना लेती हूँ। देखिए इस तरीके से हमने सीख बना लिया, इसे फ्राई करने रखे हैं, इतना बच गया है, ये दूसरे राउंड में हो जाएगा।
इसमें हमारा छोटा मिक्सर का जार ख़राब हो गया है, इसलिए बड़े में पीसना पड़ा। बड़े में थोड़ा सा मसाला होगा नहीं, इसलिए हम एक साथ में सब डाल देंगे ताकि ये पीस जाए। फिर इसकी इतना तो डाली, अब देखते हैं इसमें होता है तो, नहीं तो फिर मेयोनीज वगैरह भी सब इसी में मिक्स कर देंगे। कि हमारी इतनी सीख बच गई थी, ये भी फ्राई हो गई है और ये भी फ्राई हो गई है, मुझे इसकी भी लग गई है। और मैं इसको कोयले का स्मोक नहीं दूँगी, ना ही मैंने कीमे को दी थी, ना ही अभी सीख को दूँगी, ना ही बिरयानी को दूँगी, क्योंकि हमारे इधर अलमीरा और बिल्कुल पसंद नहीं है। सीख रेडी है, ये देखिए। हमें फ्राई हो गई है, इसके अंदर मसाला ऐड करते हैं। अब इसको भूनने के लिए थोड़ा देर छोड़ देंगे। एक बज गया, जल्दी से हो जाए 15-20 मिनट में तो अच्छा है। ज़्यादा पानी नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर दम पे देने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मेयोनीज से दही है, क्रीम है, उसमें एक चम्मच सॉल्ट डाली मैंने, और आधा चम्मच टी स्पून गरम काली मिर्च पाउडर डाली, और एक टी स्पून मैं इसमें गरम मसाला डालती हूँ। थोड़ा सा दूध ऐड कर दूंगी, एक कप के जितना, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर इसको साइड में रखेंगे जब तक अपना मसाला भून जाएगा, तो फिर हम लोग इसको ऐड करेंगे। उठाई देख आई ना दोपहर में बाबा ने को जाल से और सर को मार देते ओ भाई आई का वो जो ना बाबा चलो देख दीदार कर गली दी गली आई बहन ना काई वे नहीं मार मार मेरे तरफ से भी मार
ये देखिए हमारी बिरयानी रेडी हो गई है, चावल भी पूरे खुले खुले हुए हैं और बस अभी हम लोग खाते हैं। अफजल भी आ गए, मेरी नमाज़ वगैरह सब हो गई है अभी, अभी बस रूम का काम करने आई थी, लेकिन मैं सोची पहले एक व्लॉग है मेरे पास में बनावा उसको एडिट कर देती हूँ, उसके बाद में फिर रूम का काम करती। रूम में काम तो काफ़ी है करने के लिए, लेकिन अभी मेरे लिए दोपहर भी हो गई और थोड़ा आराम भी कर लेती हूँ। खाना खाने के वक्त कभी वीडियो नहीं ली क्योंकि लेट हो रहा था नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैं फटाफट खा लेती हूँ नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो बस नमाज़ वगैरह सब हो गई, अभी जाती हूँ थोड़ा देर व्लॉग भी एडिट करती हूँ और थोड़ा आराम भी करने का हो जाएगा, फिर उसके बाद में शाम में काम करेंगे। वैसे तो कहीं जाना है नहीं, अली का फ़ोटो निकालने जाना है, देखती अगर उसकी पुरानी फ़ोटो होगी तो फिर नहीं निकालूंगी, क्योंकि मंडे उसका एडमिशन है, क्योंकि वो फिफ्थ में जाएगा तो री एडमिशन होता है, तो वो एडमिशन है और डॉक्यूमेंट वगैरह सब निकाल के रखने के है, क्योंकि संडे फिर सब बंद रहेगा, जेरोक्स वगैरह का भी बंद रहता है और फ़ोटो वगैरह के लिए भी बंद रहेगा। तो आज ही कर लेती हूँ शाम तक के, फिर बाद में ये रूम का करेंगे। तो चलिए अभी जाते हैं। अभी पहले व्लॉग एडिट करते करते मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गई थी, अभी उठी हूँ और अभी जाती हूँ चाय बनाती हूँ, बच्चे क्या कर रहे देखती हूँ। बच्चे को इधर मेरे बाजू ही थे और टीवी से क्या मोबाइल पे थे, फिर अभी कहाँ चले गई यार मेरा पता नहीं, वॉशरूम में भी नहीं है। कहाँ चले गई बच्ची मेरी अलमीरा? देखते कहाँ है अलमीरा। मेरी चाय वगैरह पी के हो गई, चाय बनाने रखी थी उठी थी, तो फिर अभी अफजल आए थे, चाय वगैरह पी ली हूँ, अभी जाती हूँ नमाज पढ़ लेती हूँ। नमाज़ वगैरह सब हो गई है मेरी, तो अभी आ गई हूँ रूम में, अब रूम के कपड़े वगैरह सब हटाती हूँ और सब इधर का टेबल का साफ करती हूँ। हमारे अलमीरा का क्या क्या है उसके हवाल, क्योंकि दोनों भी अपना अपना खान खाली कर रहे हैं। अलमीरा अली का मैम जैसे बोली मंडे के दिन उसका बुक्स वगैरह सब मिलने वाली है, तो लास्ट का हाँ बैग भी खाली करो, अलमीरा बैग पूरा खाली करके वॉश करने रखो। तो ये बच्चों का, ये अलमीरा भी अपना खान खाली कर रही है, ये भी अली भी अपना खान खाली कर रहा है। मैंने देखे कपड़े वगैरह सब उठा ली हूँ, सिर्फ बेडशीट नहीं डालूंगी क्योंकि अली अलमीरा के बुक्स मैं अली के लिए उठा के रख दूँगी, नोट्स के लिए काम में आएंगे इन फ्यूचर, तो मेरे पास स्टोरेज है तो मैं पलंग में रख दूंगी, तो पलंग में सब खाली करूंगी, पलंग में सब खाली करूंगी अभी सब, तो उसमें ही बेड में डाल के रख दूंगी एक्स्ट्रा में, मैंने पहले भी रखी थी लेकिन फिर लास्ट ईयर मैंने सब निकाल दी थी, लेकिन अभी इसके 8 की बुक्स है तो मैं उनकी रख देती हूँ, इसको रख देती हूँ मैं इसको, तो बेड खाली करेंगे कल, देखते बेड का भी कुछ करते हैं, और जो गर्म कपड़े थे स्वेटर वगैरह तो वो भी उठा के रखने पड़ेंगे, तो वो भी मैं बेड में डाल दूँगी, तो बेड का काम कल करेंगे, अभी इतना करी हूँ। अभी सामने का भी बेड वगैरह सब क्लीन कर देती हूँ, थोड़ा सा मच्छर वगैरह हो गए हैं तो उसके लिए हीट वगैरह मार लेते हैं हम लोग, अली को दे दे कॉइन बॉक्स में डालने को, फिर वो कर रहे हो सामने के रूम में जाती जब तक इन लोग अपना खाना। जानमाज अभी वॉशिंग मशीन में लगा देती हूँ, रात भर में सूख जाएंगी वो,
अभी लगा दूँगी तो बैटरी सब को रिंग करती हूँ, एसी ऑन कर दी हूँ, तो ये रूम थोड़ा सा साफ कर लेंगे। क्या हो गया? मैंने चाय रख के गई थी अंदर और जाके भूल गई, अभी जल गया ये, कब तक भी तो अभी मनीषा निकालेगी पता नहीं। सो भिगा के अभी रख देती हूँ, देखते कैसा निकलता है अभी, क्योंकि एक इसमें तो निकालेगी नहीं मनीषा इसको, एक हफ्ता पूरा इधर ही ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, धीरे धीरे करके वो निकालेगी। फिर खाना गर्म करने रखते हैं, वहाँ पे दूध गर्म करने रख दी हूँ, चाय भी अफजल के लिए बना रही हूँ, खाने के बाद में वो पियेंगे, और खाना गर्म करने रख दी हूँ मैंने। वहाँ पे कचरे की थैली भी लगा दी हूँ, जो भी एक्स्ट्रा बड़ी थैली जो घर में रहती है तो मैं पहले वही यूज़ कर लेती हूँ। और बस कुछ बर्तन निकले हैं तो वो भी पानी से निकाल के टब में भर के रखेंगे खाना खाने के बाद में। खाली जग वगैरह एक साइड में बॉटल्स कर देंगे, बस अभी इतना काम हुआ है। अभी मैं देखती हूँ थोड़ा सा कचुम्बर बना लेती हूँ। दूध गर्म हो गया, चाय भी बन गई है और खाना भी हमारा गर्म हो गया। अभी थोड़ा सा कचुम्बर बना लेती, दोपहर में नहीं बनाई थी और अभी बना लेती हूँ थोड़ा सा कचुम्बर, तो फिर खाना निकाल देंगे। अफजल भी आ गए हैं अभी, तो उनको भी नीचे जाना है, उनका काम चल रहा है, तो फटाफट में कचुम्बर बना लेती फिर खाना निकालते हैं। भाप आ गई, खाना निकाल दूं। मेरा खाना देखो, बस 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 लाओ प्लेट, उधर से प्लेट दो, चेंज करो प्लेट, कचुमर डालो बीच में खड़ा है ना कचुमर। खाना निकाल दियो, अभी अफजल भी आ गए, अभी आ रहे वंडर है, और बस अभी हम लोग खाना खा लेते हैं। खाना खा के मैं दूसरा भी अभी काम करना है मुझे, तो बस अभी ब्लॉग भी एंड करती हूँ। अगर आपको हमारे ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में, अल्लाह हाफिज़।